आमतौर पर आपने ऑटो में दो तीन लोगों को सफर करते हुए देखा होगा। ज्यादा से ज्यादा 7-8 लोग ही ऑटो में सफर कर सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां पर पुलिस ने जब एक ऑटो रिक्शा को रोका तो वह अंदर का नजारा देखकर दंग रह गई। ऑटो में बैठे लोगों को पुलिस ने एक एक कर नीचे उतार कर गिनती की। पुलिस की गिनती 26 पर जाकर रुकी। वहीं ऑटो चालक को मिलाकर कुल 27 लोग ऑटो रिक्शा में एक साथ सवारी कर रहे थे। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल ये पूरी घटना यूपी के फतेहपुर जिले की बिंदकी कोतवाली क्षेत्र की है। वीडियो के मुताबिक कुछ लोग नवाज बढ़कर ऑटो रिक्शा में सवार होकर निकले थे। बिंदकी के ललोली चौराहे पर पुलिस ने ऑटो को रोक लिया। आरोप था कि ऑटो चालक ऑटो को तेज गति में चला रहा था। पुलिस ने जब ऑटो के अंदर झांक कर देखा तो उनके होश उड़ गए। ऑटो में भारी भीड़ जमा थी। पुलिस ने एक एक कर ऑटो से सभी बच्चों और अन्य लोगों को बाहर निकाला। लोगों की गिनती की गई। पुलिस ने गिनती बच्चों को मिलाकर 26 पर जाकर खत्म हुई। इसके बाद ऑटो ड्राइवर को जोड़कर पुलिस को पता चला कि इस ऑटो में 27 लोग सवार थे। ऑटो रिक्शा में 27 लोगों के एक साथ सवार होने की जानकारी के बाद पुलिस ने ऑटो चालक समेत सभी लोगों की क्लास लगा दी। पुलिस ने सभी को जमकर लताड़ा और कार्रवाई करते हुए ऑटो रिक्शा को सीज कर दिया। घटना के दौरान वहां मौजूद किसी एक व्यक्ति ने इस पूरे मामले का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। वीडियो को देखकर लोग भी सोच में पड़ गए हैं कि एक ऑटो रिक्शा में एक साथ 27 लोग कैसे बैठ सकते हैं। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।